नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। उड़ीसा के गंजाम्स की बात करेंगे, जहां जिला कवि सूर्यनगर स्वास्थ्य केंद्र में जातीय स्वास्थ्य मिशन अधीन में फार्मासिस्ट के रूप में कार्य कर रहे CH मनस्विनी पात्र का आज मध्याह्न में अपने घर में मृत्यु हो गई। खबर पाकर परिवार और संबंधी कवि सूर्यनगर अस्पताल में लाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वैसे इस महीने में 2 तारीख को शादी किए थे वह। 15 दिन ससुराल में रहने के बाद 3-4 दिन पहले वापस आकर कार्य में योगदान दिया था, लेकिन आज अचानक उनकी खबर सुनते ही परिवार और संबंधी स्तब्ध हो गए। मृत्यु की खबर शाम तक कोई न कह पाया था। कवि सूर्यनगर पुलिस पहुंचकर शव को जब्त करके शव को परीक्षण के लिए भेज दिया गया। महिला फार्मासिस्ट की मौत अब शक के दायरे में है। फिलहाल शव परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही गुत्थी सुलझेगी। R9 भारत के लिए कृष्ण चंद्र पोलाई की रिपोर्ट, गंजाम, उड़ीसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। सुदूर लाठी मुख्य रास्ते पर स्थित आदर्श शिशु विद्या मंदिर परिसर में विद्यालय के प्रतिष्ठाता प्रभात कुमार मिश्र के पौरोहित में गुरु पूर्णिमा कोविड नियम के अनुसार पालन किया गया। प्रारंभ में गुरु पूर्णिमा तथा व्यासदेव की फोटो में अतिथि के रूप में समाज सेवी त्रिनाथ महाराणा पुष्प माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आए, और इसके बाद शिक्षा के संगमित्रा पटनायक महेश्वरी दास और विजयलक्ष्मी पात्र गुरु वंदना किए थे। 4 माता-पिताओं को गुरु ने सम्मानित किया था। सभी भारतीय पाश्चात संस्कृति अपनाने में लगे हुए हैं और हिंदू सनातन धर्म का अवच्छय होने के साथ साथ भाईचारा घट रहा है। महाराणा ने यह बात भी व्यक्त करी है। अन्य सदस्यों में सर्व नरसिंह पंडित, प्रमिला षडंगी, सुखदेव पात्र प्रमुख गुरु पूर्णिमा के विषय पर आलोकपात किए थे। R9 भारत के लिए दिलीप दास की रिपोर्ट, ब्रह्मपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बात करेंगे गंजाम क्षेत्र से, जहां सड़क दुर्घटना में एक बालक की मृत्यु हो गई और दीर्घ 3 घंटे तक रास्ता जाम रहा। आपको बता दें, रविवार को कवि सूर्यनगर ब्लॉक अंतर्गत खज्जापल्ली गांव में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अपराह्न समय में रास्ते पर वह बालक राहुल दलाई, पिता सुशांत दलाई, रास्ता पार करते वक्त एक कार ने अचानक से जोरदार टक्कर मार दी। इसकी वजह से बालक को कोदला गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना पर लोग खज्जापल्ली गांव में उपस्थित होकर भड़क गए और 3 घंटे तक मुख्य रास्ते को जाम कर दिया। अंत में कवि सूर्यनगर IIC प्रभात शाहू, कोदला IIC देवाशीष महंती, पुलसरा IIC जगन्नाथ मलिक, पुरुषोत्तम SDPO सहित काफी सारे लोगों ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद, समझाने बुझाने के बाद रास्ते को खोला गया। R9 भारत के लिए कृष्ण चंद्र पोलाई की रिपोर्ट, गंजाम, उड़ीसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। गंजाम जिले के बुगड़ा शहर के अरविंद नगर में आज नगर सभापति शमीर कुमार सामंतराय की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की तरफ से नारियों की सुरक्षा के लिए एक बैठक अनुष्ठित करी गई। इसमें दिवासीन नायक, सुभश्री सेठी, रोजालिनी पात्र, सागरिका विशोई के साथ बुगड़ा इलाके की कई महिलाओं ने योगदान दिया। जो कि महिलाओं ने इस बैठक के अभिभाषण से कुछ जानने को मिला है और महिलाओं का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा, स्थानीय महिलाओं ने ऐसा कहा है। मोना विवासी नायक आम जानलु जे ह्यूमन राइट्स द्वारा आम कि समस्या रो समाधान हो पार आ नारी शक्तिर किपर उन्नति हो पार एवं कह कि भी असुविधा थी तार कमी सल्व हो पार से विषय सार मैंने कहले शुणिलु भी आमती कि जदि स्टेप नवा पड़ो तमें निश्चिंत यह सह एकमत। R9 भारत के लिए कृष्णचंद्र पोलाई की रिपोर्ट, गंजाम, उड़ीसा।